Assalamualaikum, Welcome to Wajihas Kitchen. आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ हैदराबादी शामी कबाब। आइए देखते हैं हैदराबादी शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी बोनलेस मटन 500 ग्राम्स। बोन के साथ आप मटन यहाँ पे यूज़ ना करें। चना दाल 100 ग्राम्स। प्याज एक मीडियम साइज की, मैंने यहाँ पे प्याज को इस तरह से बारीक कट कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर 4-5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च 4-5, 2 लेमन जूस, कोथमीर 2 टेबलस्पून, पुदीना 2 टेबलस्पून एंड ऑयल 4-5 टेबलस्पून। आइए हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मटन को कुक कर लेते हैं। उसके लिए प्रेशर कुकर में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें ऐड करूँगी प्याज। अब प्याज को इसमें हल्के से पिंक कलर के होने तक फ्राई कर ले। इसे फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटन। मटन को भी इसमें 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। मटन को भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चना दाल, नमक, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 3 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च, कोथमीर 1 टेबलस्पून और पुदीना 1 टेबलस्पून। अब इन सभी चीज़ों को मटन में अच्छे से मिक्स करके इसे 2-3 मिनट के लिए भून लें। इसे भून लेने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन में काफ़ी सारा पानी छूट चुका है, तो इसे गलाने के लिए हमें इसमें और पानी ऐड नहीं करना है। इसी के पानी में हमें इसे कुक करना है। आइए अब हम इसे लिड लगाकर मटन अच्छे से कुक हो जाने तक, अच्छे से गल जाने तक इसे 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 15-20 मिनट बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन और दाल काफ़ी अच्छे से कुक हो चुके हैं या अच्छे से गल चुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसे ग्राइंड करके इसका एक फाइन पेस्ट रेडी करना है। बट मेक श्योर रहें कि इसे ग्राइंड करते समय आप इसमें पानी बिल्कुल 1/2 आवर बाद, मटन पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हमने यहाँ पे इसे इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 लेमन जूस, पुदीना 1 टेबलस्पून और कोथमीर 1 टेबलस्पून। अब इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, शामी बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए इसका थोड़ा सा पोर्शन आप यहाँ पे लेके इस तरह से लीफ शेप के शामी बना लें। जैसे मर्जी चाहे शेप आप इसे दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे राउंड शेप में फ्लैट पैटी की तरह भी बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस तरह से लीफ शेप में बना लें। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी शामी बना के रेडी कर लिए हैं। ठीक इसी तरह से 1 by 1 करके आपको सभी शामी बना के रेडी करने हैं, या अगर आप चाहें तो इस तरह से राउंड शेप के कोफ्ते भी बना सकते हैं। जो मर्जी चाहे शेप में आप इन्हें बना लें। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने सभी शामी और कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें अपने शामी और कोफ्ते फ्राई करेंगे। मेक श्योर रहें कि फ्लेम आपका यहाँ पे बिल्कुल मीडियम टू हाई होना चाहिए। बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसे पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के होने तक फ्राई कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली दोनों तरफ से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के शामी यहाँ पे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमें इन्हें और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इन्हें निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त शामी और कोफ्ते यहाँ पे हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इस ज़बरदस्त से हैदराबादी शामी कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आएँ तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और देखते रहिए वजीहास किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।